बहुत गर्मी है आज, बहनें थक गई होंगी इंतजार करते करते। आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि इतने समय से आप इतनी धूप में यहाँ बैठे हैं, और आपको ज्यादा कष्ट नहीं देना चाहती। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आपके मुख्यमंत्री जी मुकेश अग्निहोत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी जो हैं, श्री राजीव शुक्ला जी, श्री राकेश कालिया जी, श्री सतपाल रायजादा जी, श्री चंद्र कुमार जी, श्री कुलदीप कुमार जी, मेरे साथी धीरज गुड्डर जी, किशोरी लाल जी, सुदर्शन बबलू जी, रंजीत राणा जी, सुरेंद्र ठाकुर जी, लाल जी देसाई जी, और मंच पर विराजमान सभी नेतागण का मैं सभा में स्वागत करती हूँ। शुरू करने से पहले एक बार चिंतपूर्णी माता जी की जय कहिए मेरे साथ, चिंतपूर्णी माता जी की, भगवान भोलेनाथ जी की। ये पवित्र भूमि है, हर तरह से पवित्र है, सुंदर है, देव भूमि है, बड़े बड़े तीर्थ स्थान है यहाँ, और एक पुरानी परंपरा, एक पुरानी सभ्यता भी है जो शालीन है, सत्य के पथ पर है, और हमेशा हिमाचल से ही एक तरह से हमारे पूरे देश में, हमारे समाज में वो एक जो सभ्यता है उसका एहसास होता है। मेरे लिए तो घर भी है, यहाँ आती हूँ तो बहुत खुशी होती है। सुक्कू जी ने बताया आपको मेरा घर है शिमला के पास बहुत समय से, तो आना जाना भी रहता है, आप सब से मिलना रहता है, बातचीत होती है, हमेशा पता चलता है कि यहाँ की जनता जो है साधारण जीवन जीती है, ज्यादा लोगों को उलझाते नहीं हो आप, झूठ वगैरह में पड़ते नहीं हो, सभ्यता है एक समाज की वो रखते हो, और जिस से मिलती हूँ प्यार से मिलता है हमेशा, जहां भी जाऊं चाहे किसी दुकान में जाऊं चाहे कहीं भी जाऊं तो बहुत प्रेम से प्यार से बिठाते हैं, स्वागत करते हैं, और ये आपकी पहचान है। देखिए यहाँ की राजनीति में भी यही सभ्यता रही है, हमेशा से रही है, खासतौर से जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता रहे हैं, परमार साहब थे, वीरभद्र सिंह जी थे, सबने बहुत दिल लगाकर और सच्चाई से आपके लिए काम किया, और यही जो साहब की जो समाज की सभ्यता है वो हमारी राजनीति में भी दिखी। तो हमेशा जब भी कांग्रेस की सरकार रही या कांग्रेस के नेता आपके सामने आए तो हमेशा आपकी सेवा के लिए आए, और इस पूरी गहराई से इनकी समझ थी कि जनता सर्वोपरि होती है, जनता से ऊपर हमारे देश में लोकतंत्र में कोई नहीं है। इसी तरह से हमने हमेशा आपकी सेवा करने का प्रयास किया। पिछले 2 सालों में जब से हमारी कांग्रेस की सरकार फिर से प्रदेश में बनी, तब से कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनसे आपको खुद ये प्रमाण मिल गया होगा कि कांग्रेस की राजनीति कैसी है और भाजपा की राजनीति कैसी है। आपके यहाँ के सांसद तो हैं ही भाजपा के, सुक्कू जी ने कहा कि 20 साल से सांसद रहे हैं, लेकिन आपके जो सांसदीय क्षेत्र है उसकी ज्यादा तरक्की नहीं हुई, और जितने काम यहाँ हो सकते थे वो हुए नहीं, लेकिन वो बात अलग है। पिछले 2 सालों से जो आपने प्रदेश में देखा उसको गहराई से समझने की जरूरत है, इसीलिए उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने आई हूं। हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के कुछ ही समय बाद एक भयानक आपदा आती है, हिमाचल में सैकड़ों घर बह जाते हैं, बहुत नुकसान होता है, सड़कें टूटकर पानी में बह जाती हैं, पहाड़ टूटते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, परिवार हैं जिन्होंने अपने प्यारे खोए, स्कूल तबाह हो गए, घर तबाह हो गए, परिवार तबाह हो गए। आपने बहुत दुख झेला, बहुत कठिनाइयां झेली, और एक दिन की बात नहीं थी, 2 दिन की बात नहीं थी, जब आपदा आई
तो लंबे दौर के लिए चली, बहुत नुकसान होता रहा, रोकने का कोई तरीका नहीं था, प्राकृतिक आपदा थी। लेकिन आपने क्या देखा, साथ साथ आपने ये देखा और मैंने खुद देखा कि आपका जो पूरा प्रदेश है वो एकजुट हो गया, समाज एकजुट हो गया, और जो हमारे नेता हैं कांग्रेस के, जो मंत्रिमंडल के मंत्री थे, जो आपके मुख्यमंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, सब आपके साथ खड़े हो गए। मैंने खुद देखा कि जहां सड़कें टूटी थी, नागरिक खुद खड़े होकर श्रमदान कर रहे हैं। मैंने देखा कि जहां पे पर्यटक फंस गए हैं, टीवी पे देख रही थी कि हमारे मंत्री बीच रात तक वहां पे खड़े हैं और उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जहां जहां राहत पहुंच नहीं पा रही है, वहां सुक्कू जी खुद जाकर राहत पहुंचा रहे हैं। ये सारा हमको देखने को मिला जब आपके प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आई और आप पर इतना बड़ा संकट आया। तो यहां से आपने देखा कि कांग्रेस के नेताओं ने किस तरह से जमीन पर उतरकर, घर घर में जाकर, जहां जहां नुकसान था, जहां जहां दुख था, वहां जाकर, वहां पहुंचकर आपकी मदद की। दूसरी तरफ आपने ये भी देखा कि भाजपा का एक भी नेता नहीं आया। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि उनका दूसरा घर है हिमाचल, वो आपदा के समय आपके बीच आए नहीं। अब चुनाव के समय जरूर आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, लेकिन आपदा के समय जब आप संकट में थे, जब आपको दुख पहुंचा था, तब एक भी बार आने का कष्ट नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो कांग्रेस पार्टी और भाजपा की विचारधारा और कार्यशैली का फर्क है। हम काम करते हैं आपके लिए, सत्ता के लिए नहीं, पैसों के लिए नहीं, धन बल के लिए नहीं, हम आपके लिए काम करते हैं। हम समझते हैं कि यह हमारा कर्तव्य है। जितने भी नेता यहां बैठे हैं, इनमें से कोई नेता ये नहीं समझता कि यहां जब आपदा हुई तो आपके बीच आकर आप पर कोई एहसान किया। सब समझते हैं कि ये तो हमारा कर्तव्य था, हमने वो कर्तव्य निभाया है। हम और भी कर सकते तो हम और करते। ये विचारधारा की बहुत जो बहुत बड़ा फर्क है भाजपा और कांग्रेस पार्टी के बीच, ये पहचानना बड़ा जरूरी है। आपदा के बाद जब सारा राहत का काम करना था, जो टूटी सड़कें हैं उनको बनाना था, जो टूटे घर हैं उनके लिए राहत पहुंचानी थी, जो पाठशालाएं खत्म हो गई थी उनको दोबारा से बनाना था, तो केंद्र की तरफ से एक रुपया नहीं आया प्रदेश के लिए। हर प्रदेश में जब इस तरह की आपदा आती है तो उसको राष्ट्र आपदा घोषित कर दिया जाता है, केंद्र घोषित करता है। इस तरह से केंद्र की सरकार का कर्तव्य बनता है कि राष्ट्र आपदा के लिए वो पैसे भेजे। मोदी जी ने राष्ट्र आपदा इसको घोषित ही नहीं किया, तो राशि केंद्र की तरफ से बिल्कुल नहीं आई, एक भी पैसा नहीं आया। तो भाइयों और बहनों, प्रदेश की जो संपत्ति है उसी में से सारा खर्चा उठाना पड़ा, और जहां जहां राहत पहुंचानी थी वो सारी राहत प्रदेश की सरकार से पहुंची। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे आप इतनी बड़ी आपदा से उभर कर निकल रहे हो, आप आस्ते आस्ते अपने जीवन को फिर से रास्ते पे ला रहे हो। जिसके कारोबार खत्म हुए वो अपने कारोबार फिर से मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। सरकार राहत देने में व्यस्त है और फिर से निर्माण करने में व्यस्त है। तब मोदी जी, अमित शाह जी और उनके नुमाइंदे क्या करते हैं, यहां की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं। ये सरकार आपकी थी, हमारी सरकार नहीं थी, ये आपकी थी। चुनाव हुआ, आपने भारी बहुमत से जिताया, सुक्कू जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। आप ही के भाई हैं, आप ही के बेटे हैं, आपके बीच में मिलजुल कर हर समय रहते हैं। आपदा में भी आपकी मदद इन्होंने की। ये सरकार गिराने का पूरा प्रयास होता है, पूरी कोशिश होती है, धन बल के साथ, चोरों की तरह
विधायकों को छुपा कर कभी यहां ले जाएंगे, कभी वहां ले जाएंगे। अंधेरी रात में गाड़ियां जा रही हैं, सुरक्षा मिल रही है उन विधायकों को, कोई हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ पहुंच रहा है। पूरा देश ये दृश्य देख रहा है कि हिमाचल की जनता ने अपने लिए एक सरकार चुनी, एक ईमानदार सरकार मिली, एक सच्ची सरकार मिली। और अब मोदी जी के मंत्री और यहाँ के हिमाचल के जितने भी बड़े बड़े भाजपा के नेता हैं, सब धन बल के आधार पर उस सरकार को गिराने में लगे हुए हैं। कितनी शर्म की बात है बहनों और भाइयों कि पूरा देश देख रहा था, देश की सारी मीडिया दिखा रही थी, और किसी ने ये नहीं कहा कि ये लोकतंत्र के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध देश की जनता, हिमाचल की जनता की आंखों के सामने हो रहा है। सब पत्रकारों ने वाहवाही की कि देखिए मोदी जी हैं तो मुमकिन है ये सरकार भी गिरा देंगे। महाराष्ट्र की सरकार गिराई, कहीं और सरकार गिराई, अब हिमाचल की सरकार भी गिरा देंगे। लेकिन ये हमारे नेताओं की दृढ़ता थी, ये आपका जो समर्थन था कि हमारी सरकार एकजुट रही और 5-6 लोगों के जाने के बावजूद हम दृढ़ रहे, मजबूत रहे, हम आज तक सरकार चला रहे हैं, आपके लिए चला रहे हैं। जिनको जाना था धन बल के आधार पर चले गए। अच्छा है बहनों और भाइयों, सबकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। आपने कांग्रेस की सच्चाई देख ली जब आपदा आई, आपने भाजपा की सच्चाई भी देख ली कि मदद करने कौन आया और नकारा किसने। उसके बाद जब सरकार गिराने का काम शुरू हुआ तो भी आपने भाजपा की सच्चाई दी देखी और कांग्रेस की सच्चाई देखी। और जिन जिन को जाना था, जैसे आपके यहां के जो विधायक हैं, वो चले गए, अच्छा है, क्योंकि अब आप उनकी सच्चाई को अच्छी तरह से पहचान गए हैं। आप जान गए हैं कि ये तो हमारे लिए नहीं चलते, ये हमारे लिए नहीं काम कर रहे हैं। जैसे सुक्कू जी ने कहा, सेवा, समर्पण, जनता के प्रति श्रद्धा, इनका मकसद नहीं था, इनका मकसद कुछ और था, मकसद कमाई थी, कमाई हो गई, चले गए। तो देश भर में आज अगर जनता को जागरूक बनना है तो एक बात समझनी है कि एक राजनीति जो हमारे देश में स्थापित की थी महात्मा गांधी ने, वो जो राजनीति थी जो दशकों के लिए हमारे देश में चली, उसकी एक अलग विचारधारा थी। वो राजनीति थी जिसमें जनता सर्वोपरि होती है। आपकी जरूरत क्या है, आपकी समस्याएं क्या हैं, बड़े बड़े प्रधानमंत्री आपके बीच आकर आपको पूछते थे। आप डांटे, आप नाराज हो, आप आंदोलन करें, आप अपनी नाराजगी को व्यक्त भी करें तो कोई बात नहीं था, ये लोकतंत्र था, ये लोकतंत्र था, और लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती थी। यही हमारी विचारधारा रही। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकारें चली हमारे देश में, फिर एक नई राजनीति उभरती है, मोदी जी की राजनीति, भाजपा की राजनीति। और खास तौर से मेरी बहनें आप समझो, क्योंकि ये राजनीति धर्म का नाम इस्तेमाल करती है लेकिन कोई धार्मिक काम नहीं करती। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म ने हमें यही सिखाया कि सत्य के पथ पर चलना है, सच्चाई के पथ पर चलना है। हमारे हिंदू धर्म ने हमें यही सिखाया कि जनता के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। सभी गुरुओं ने, सभी महात्माओं ने, सभी संतों ने यही कहा, अपना जीवन ईमानदारी से जियो। और यही बात हमारी राजनीति में महात्मा गांधी जी लाए, जो देश के लिए शहीद हुए और शहीद होते होते उनके मुंह से हे राम के शब्द निकले। यही हमारे धर्म ने सिखाया, और उसी धर्म के की जो सीख थी उसके आधार पर हमारी राजनीति चली दशकों से। लेकिन आज भाजपा वाले कहते हैं
कि कांग्रेस पार्टी धर्म विरोधी है और कहते हैं कि वो धर्म के रखवाले हैं। कौन से धर्म के रखवाले आकर आपकी सरकार को धन बल से गिराएंगे? कौन से धर्म के रखवाले आकर पैसे खिलाकर विधायकों की चोरी करेंगे? कौन से धर्म के रखवाले देखते हैं कि इतनी बड़ी आपदा हो रही है, लोगों के बच्चे गुजर रहे हैं, लोगों के माँ बाप गुजर गए हैं, घर टूट गए हैं, पाठशालाएं गिर गई हैं, सड़कें खराब हो गई हैं, टूट गई हैं, कौन से धार्मिक व्यक्ति के दिल में ये बात चोट नहीं पहुंचाएगी? कौन सा ये धार्मिक व्यक्ति है, कौन है ये प्रधानमंत्री हमारे जिन्होंने ये पूरी आपदा को नकार दिया, अपना मुंह फेर दिया, आपके लिए एक भी पैसा नहीं भेजा, जो उनका कर्तव्य था आपके प्रति कि ये राष्ट्र आपदा घोषित करें और आपके लिए राशि भेजें आपके राहत के लिए? तो कैसे धार्मिक व्यक्ति हैं, कैसी धार्मिक राजनीति है जो धर्म का नाम इस्तेमाल करती है आपसे वोट लेने के लिए? जब चुनाव का समय आता है आ जाते हैं कि धार्मिक हैं, धर्म के नाम पर वोट दीजिए और सारी धर्म की बातें आपको सुनाएंगे, लेकिन बाकी समय धन बल के आधार पर सरकारों को गिराना, विधायकों को खरीदना, जब आपको राहत पहुंचानी है तो राहत नहीं पहुंचाना, जब हमारी सरकार कहती है हम ओपीएस लागू कर रहे हैं तो जो एनपीएस की राशि है वो बंद कर देते हैं ताकि हम पूरी तरह से ओपीएस लागू करने में सफल ना हो, जब हम कहते हैं हम 1500 रुपए देना चाहते हैं और देना शुरू करते हैं महिलाओं को तो रुकवा लेते हैं, ये कौन सा धर्म है? ये किस धर्म ने सिखा दिया उनको? उनका धर्म सिर्फ एक है, सत्ता, सत्ता और संपत्ति। 55 सालों से कांग्रेस की सरकार रही इस देश में भाइयों और बहनों, 55 सालों में कांग्रेस पार्टी इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी नहीं बनी। 55 सालों में ना बन पाई, ना किसी ने प्रयास किया बनाने के लिए। भाजपा कितने सालों से है सरकार में बताइए? 10 सालों से। मात्र 10 सालों में भाजपा दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन चुकी है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये इन्हीं के आंकड़े कहते हैं। 60,000 करोड़ रुपए खर्चते हैं ये इन्हीं की अपनी पार्टी पे, 6-6 उपचुनाव करा रहे हैं, सैकड़ों करोड़ खर्चेंगे लेकिन आपदा के समय आपके लिए एक पैसा नहीं देंगे। 16,00,000 करोड़ रुपए अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को कर्ज माफ कर देंगे, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश का कोयला, देश की बिजली, देश के सारे कोल्ड स्टोरेज सब अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को दे देंगे। ये है उनके पास संपत्ति देने के लिए। लेकिन जब देश का किसान रो रहा था, आंदोलन कर रहा था, बैठा था दिल्ली के बाहर, लाखों किसान बैठे, 600 किसान शहीद हुए, जब देश का किसान आत्महत्या करता है क्योंकि 1,00,000 रुपए 2,00,000 रुपए का कर्ज भर नहीं पा रहा है, तब ये कहते हैं कि हमारे पास इनके कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है। ये है इनकी नियत, और इस नियत को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि 10 सालों से इन्होंने गुमराह करके रखा है पूरी देश की जनता को। उन्होंने टीवी के समर्थन के साथ और जितने भी चैनल हैं जो आज बड़े बड़े खरबपतियों के हैं वो सब वही दिखाते हैं जो मोदी जी चाहते हैं, और इनके समर्थन के साथ इन्होंने सिर्फ आपको झूठ दिखाए हैं कि कितनी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, देश में मोदी जी ने कितनी तरक्की कर दी और किस तरह से जनता खुशहाल है। लेकिन आपका जीवन क्या है? अगर यहां हिमाचल की सरकार आपको राहत नहीं पहुंचाती, ये पहला प्रदेश है जहां दूध पे भी आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, अगर यहां आपको राहत नहीं पहुंचाती हमारी प्रदेश की सरकार, तो पूरे देश भर में जिस तरह से किसान गरीब पिस रहे हैं उस तरह से आपकी भी हालत होती। आज देश भर में मेरी बहनें दुकान जाती हैं, कुछ खरीद नहीं पाती, वापस आ जाती हैं आधे सामान छोड़ के। त्योहार आता है तो खुशी के बजाय घबराहट होती है कि हम घर की लिपाई पुताई करनी है, त्योहार के लिए तैयारी करनी है, मेहमान आएंगे, खाना पकाना पड़ेगा,
मेहमानों की देखभाल करनी पड़ेगी, कैसे करेंगे? घबराहट होती है। आज तो त्योहार भी कोई खुशी से नहीं मना सकता। किसी की फीस भरनी होती है, बच्चों की फीस भरनी है, बच्चों को ट्यूशन कराना है, कोई परीक्षा करानी है, कर्ज लेना पड़ता है, खेत में नुकसान होता है, मुआवजा नहीं मिलता, दो तीन दिन की दिहाड़ी नहीं मिलती तो मजदूर खाली पेट सोते हैं, बच्चों को खिला नहीं पाते हैं। गैस के सिलेंडर पे इन्होंने ये बैठकर, जब 400 रुपए का हुआ था बैठकर इन्होंने प्रेस से वार्ता की, आज जब 1200 रुपए का हो गया है तो ये कहते हैं कि आपके लिए एक स्कीम लाए हैं कि चुनाव के समय 100 रुपए कम कर देंगे। कट गए हैं एकदम आपसे। आपके ये जो सांसद हैं ये भी दिखते कहां हैं आपको? आपको जब जब दिखते हैं तो कहीं सूट बूट में पहने हुए, कहीं दिल्ली के बड़े होटलों में या दिल्ली के बड़े महलों में बड़े बड़े सेठों के साथ आपके बीच आते हैं। और ये क्या, मोदी जी खुद नहीं आते? मोदी जी की जो का जो सांसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहां मैं आती जाती हूं, वहां पूछिए, किसी गांव में नहीं गए, किसी से हालचाल नहीं पूछा। तो ये इनकी जो राजनीति है, जो विचारधारा है, एकदम अलग है। एक थी इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री थी, अपने एक सांसदीय क्षेत्र में गांव गांव जाकर जनता से मिलती थी, पैदल जाती थी, जनता डांट देती थी, उन्हें कोई परवाह नहीं थी, डांट खाती थी, कहती थी अच्छा है, जागरूक है ये जनता, और दिन रात काम करती थी। शहीद हुई तो शायद आपको मालूम नहीं होगा, जब शहीद हुई तो मेरे पिताजी को उनके कमरे में एक पर्चे पे लिखा मिला कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो जब मेरे अंतिम संस्कार होंगे तो मेरी जो अस्थि है वो संगम में इलाहाबाद में आधी वहां डाल देना और आधी हिमालय के पर्वतों पे डालना, क्योंकि मैं हिमालय के पर्वत में जो बर्फ है उसके साथ मैं घुलना चाहती हूं। एक ये विचारधारा कि ये देश है मेरा, ये देश की धरती है, मुझे इस देश की धरती में घोल डालो, और दूसरी विचारधारा कि देश की जनता की आवाज है, देश की जनता एक सरकार को चुनती है, और आप 100-100 करोड़ दे देकर विधायकों को चोरी करके उस सरकार को गिराने में लगे हैं, और फिर आप धर्म की बात करते हैं। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, आपके मुंह से महंगाई शब्द नहीं निकलता, बेरोजगारी चरम पे है, आप कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई है, मोदी जी आते हैं आपको बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं, और सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि आज देश में 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। सच्चाई यह है कि आज का नौजवान शिक्षित है, कि गरीब से गरीब परिवार आज चाहता है कि पहले मेरे बच्चे की पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, वो उसके लिए मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, कर्ज लेता है, कुछ भी करता है। तो तमाम बच्चे आज शिक्षित हैं, किसी की बीटेक, किसी की बीएससी, शिक्षित है, लेकिन किसी के पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। तो आप सोचिए, जो परिस्थितियां मोदी जी ने 10 सालों से इस देश में बनाई हैं क्या हैं? लोकतंत्र का नामो निशान नहीं रहा, जहां सरकारें चुनी जाती हैं वहां गिराई जाती हैं धन बल से, जहां लोग उठते हैं अपनी आवाज उठाते हैं प्रदर्शन करते हैं किसानों की तरह उन्हें दबाया जाता है। नौजवानों की यह परिस्थिति हो गई है कि कोई किसी को रोजगार मिलने की आशा भी नहीं है। अग्निवीर जैसी स्कीम लाते हैं, अग्निवीर जैसी स्कीम जिससे बच्चा सेना में जाएगा देश की रखवाली करने के लिए, 4 साल बाद घर आके फिर से बेरोजगार हो जाएगा, शहीद होगा तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, माता पिता को शहीद का पेंशन भी नहीं मिलेगा। जो अधिकारी हैं हमारे उनको देखिए, जो सेना में काम करते हैं उनको देखिए, ओआरओपी की स्कीम कांग्रेस पार्टी लाई, वन रैंक वन पेंशन, इन्होंने क्या किया, एक रैंक और अलग अलग पेंशन, जिसको चोट लग जाएगी सीमा पे, टांग कट जाएगी या कुछ हाथ पैर खो देंगे, उनके लिए कोई पेंशन ही नहीं छोड़ा, हटा दिया वो पेंशन, अलग अलग पेंशन बना दिए,
शहीद, अगर अग्निवीर शहीद होता है तो इसके लिए कोई पेंशन नहीं, कोई और अफसर शहीद होगा बड़े घर का होगा तो उसके लिए पेंशन सही। तो हर स्तर पर हर जगह इन्होंने जनता के साथ विश्वासघात ही किया है। महंगाई बढ़ती जा रही है, रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। हम जहां जहां हमारे प्रदेश हैं यहां पे आपके लिए 1500 रुपए महिलाओं के खातों में ये शुरू कर रहे हैं हम काम। अलग अलग प्रदेशों में हम 2000 रुपए डलवा रहे हैं, कर्नाटका में, तेलंगाना में भी डलवा रहे हैं। तो जहां जहां हम राहत पहुंचा सकते हैं, कांग्रेस की सरकारें, कांग्रेस के नेता राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और जहां जहां मुसीबतों को बढ़ाने का काम है वहां आपको भाजपा के नेता मिलते हैं, क्योंकि उनका एक ही मकसद है, सत्ता किसी भी हालत में किसी भी तरह से अपने हाथों में रखना। अब चुनाव में आपके सामने आते हैं तो फिर से वही बहकी बहकी बातें, आपके ध्यान को भटकाने वाली बातें शुरू हो गई, फिर धर्म की बात, फिर वही बातें कि कांग्रेस पार्टी आपके मंगलसूत्र चुरा लेगी। अरे 55 सालों से हमारी सरकारें रही, किसी ने आपके मंगलसूत्र चुराए? इंदिरा जी ने तो अपने गहने देश को दिए थे जब जंग थी। मेरी माताजी का मंगलसूत्र देश को कुर्बान हुआ है, मेरे पिता शहीद हैं, और ये लोग कहते हैं हम आपके मंगलसूत्र चुराएंगे। गुजरात गए, मोदी जी कहने लगे कि आपकी दो भैंसे हैं तो कांग्रेस वाले एक भैंस चुरा लेंगे। ये फिजूल की बातें हैं, हम लोग हंस लेते हैं, जनता तो हंस रही है, लेकिन गहराई से देखें तो देश के प्रधानमंत्री हैं, यही उनकी सभ्यता है कि चुनाव के समय आकर आपके सामने इधर उधर की बातें करें, महंगाई की बात ना करें, बेरोजगारी की बात ना करें, यहां आपदा हुई यहां आप राहत दिलवाने की बात ना करें, आपकी समस्याएं जो है उनको हल करने की बात ही ना करें। इतना अहंकार हो गया है कि अपने आप को देवता समान समझने लग गए हैं, और इतना अहंकार हो गया है कि सोचते हैं कि चुनाव में भी धर्म का नाम लेके हमें बार बार वोट तो मिल ही जाएंगे, हमें काम करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब ये पूरा सिलसिला कौन बदलेगा, कौन बदलेगा? हम सब तो हाजिर हैं, लेकिन जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगे, जब तक आप नहीं तय करेंगे कि जिस तरह से आपने अपना समाज सभ्य रखा है उस तरह से आप एक सभ्य राजनीति भी इस देश में फिर से स्थापित करना चाहते हैं, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। सुक्कू जी ने कहा कि हमारी सरकार है, प्रियंका जी ने बनाई ये सरकार। नहीं, प्रियंका जी ने सरकार नहीं बनाई, सरकार आपने बनाई। मैं तो सिर्फ आपकी आवाज उठाती हूं, मैं तो सिर्फ आपको आईना दिखाती हूं कि देखिए ये हो रहा है देश में, इसको रोकिए, शक्ति आपके हाथों में है। हम सब आपके नुमाइंदे हैं, हम आपके प्रतिनिधि हैं, हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और हम रोज लड़ रहे हैं। यहां हमारी सरकार का एक एक मंत्री, एक एक सदस्य, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी लड़ रहे हैं। इनकी सरकार पे हमेशा खतरा रहता है, लेकिन ये खड़े रहते हैं, लड़ते रहते हैं, आपके बीच आते रहते हैं। वहां दिल्ली में राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल चले, मणिपुर से मुंबई चले, सिर्फ आपकी समस्याओं को समझने के लिए और आपके बीच आने के लिए, सिर्फ ये कहने के लिए कि जिस देश की रक्षा आपके बेटे सरहद पे कर रहे हैं वो देश एक है, एकजुट रहना चाहिए और उस देश की एकता बनी रहनी चाहिए। राहुल जी को घर से निकालते हैं, संसद से निकालते हैं, तमाम उन पर केस डालते हैं, लेकिन पीछे नहीं हटते, खड़े रहते हैं, लड़ते रहते हैं। हम सब लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे आपके लिए। हम इस देश के लोकतंत्र, इस देश के संविधान पर आंच नहीं आने देंगे, लेकिन हमारे साथ आपको लड़ना पड़ेगा, आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। इस चुनाव में शुरू से कांग्रेस पार्टी के एक एक नेता ने सिर्फ आपके काम की बात की है। हम गारंटी लाए हैं तो आपके लिए लाए हैं। जिस तरह से प्रदेश सरकार गारंटी को पूरा करने का काम कर रही है,
ओपीएस लागू कर रही है, अब महिलाओं के खातों में पैसे डालना शुरू किया है और जैसे ही चुनाव, जैसे आपने कहा, खत्म होगा फिर से शुरू होगा, उसी तरह से हम देश भर में कुछ गारंटी लाए हैं महिलाओं के लिए। जो आपको प्रदेश सरकार से मिल रहा है वो मिलेगा, लेकिन ऊपर से आपको केंद्र सरकार की तरफ से 8,500 रुपए हर महीने आपके खातों में डाले जाएंगे। सरकारी नौकरियां 50% आपको मिलेंगी महिलाओं को, पहले के आरक्षणों के तहत। नौजवानों के लिए एक अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम लाएंगे, जिससे 1,00,000 रुपए एक सालाना आप कमा पाएंगे, आपका हुनर बढ़ाया जाएगा। जब तक आपकी स्थायी नौकरी नहीं होगी तब तक आप अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम करके कमा पाएंगे। नौजवानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का फंड लाएंगे, ताकि आप जब अपना कारोबार शुरू करना चाहेंगे तो आप उस कारोबार को बना सकेंगे, आपके लिए सुविधा होगी। पेपर लीक होते हैं उसके खिलाफ सख्त कानून लाएंगे। और 30,00,000 खाली पद जो मोदी जी ने खाली छोड़े हैं अपनी सरकार में, वो उन भरेंगे और आपको हम रोजगार दिलवाएंगे। किसान भाइयों के लिए MSP मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य आपका कानूनी अधिकार बनाएंगे। जिस तरह से आज भोजन का अधिकार इस देश में कानूनी अधिकार है गरीब परिवारों का, मोदी जी देते हैं आपको राशन, कहते हैं आप पे एहसान कर रहे हैं, अपनी फोटो चेप के देते हैं, सच्चाई यह है कि वो कानून कांग्रेस पार्टी ने बनाया जो मजबूर करता है मोदी जी को कि आपको राशन दे। इसी तरह से हम कानून लाएंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको मिलना ही होगा। इसके साथ साथ किसानों के कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग लाएंगे, जिससे जब जब आपको संकट में होंगे और आपको सुविधा की जरूरत होगी, आप जाकर उस आयोग से सुविधा ले पाएंगे। किसान आज खेती के हर सामान के लिए GST दे रहा है, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, ऊपर से हर सामान पे GST है, सारे सामान महंगे हैं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि केंद्र में हमारी सरकार आएगी तो हर सामान से, खेती के सामान से GST हटाएगी, ताकि खेती के सारे सामान सस्ते हों। आज सारे कोल्ड स्टोरेज अडानी जी के हैं, सेब का दाम अडानी जी तय कर रहे हैं, आपको उपज का सही दाम नहीं मिलता। ऊपर से मोदी जी ने जो अमेरिका से सेब आता है उस पर टैक्स कम कर दिया, और यहां आप GST पे GST भर रहे हैं। इसीलिए जब खेती के सामानों से GST हटेगा तो सब किसानों का फायदा होगा। और जिस तरह से इन्होंने सिर्फ खरबपतियों के लिए सरकार चलाई है, उसी तरह से हम सिर्फ जनता के लिए, सिर्फ आपको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए सरकार चलाएंगे। मजदूरों को आज शोषण का आज शोषण होता है। हमने तय किया है कि देश भर में प्रतिदिन जो मजदूरी है वो 400 रुपए से कम नहीं हो सकेगी, ये कानून बनाएंगे हम। और जिस तरह से हम गांव में मनरेगा लाए, उसी तरह से हम शहरी मनरेगा लाएंगे, ताकि शहरों में भी 100 दिन की मजदूरी, 100 दिन की जो रोजगार है वो आपके लिए पक्का आपका अधिकार बनेगा। ये जो छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटे बिजनेस हैं, इन्होंने बहुत नुकसान झेला है मोदी जी की नीतियों की वजह से। हम चाहते हैं कि जो छोटे कारोबार हैं, छोटे दुकानदार हैं, छोटे बिजनेस हैं, वो मजबूत बने, क्योंकि हम जानते हैं कि आप रोजगार दिलवाते हैं और आपकी मजबूती ही देश की रीढ़ की हड्डी बन जाती है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी। हम आपको मजबूत बनाने का काम करेंगे। नोटबंदी और GST जैसी जो फिजूल की नीतियां हैं, जिन्होंने आपकी कमर तोड़ी है, उन सबको हम आपके लिए दुरुस्त करेंगे, ताकि आपके कारोबार फिर से अच्छी तरह चल पाएं। ये सब काम हम आपके लिए करना चाहते हैं, लेकिन एक काम आपको हमारे लिए भी करना पड़ेगा। आपको जागरूक बनके अपना वोट डालना पड़ेगा। यहां उपचुनाव है, आप विधानसभा के लिए भी प्रत्याशी चुन रहे हैं और लोकसभा के लिए भी, दोनों प्रत्याशी यहां हैं आपके पास, आपके सामने। आइए कालिया जी, यहां आइए। आप लड़ रहे हैं क्या चुनाव? शायद
शायद लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं रायजादा जी वो अगली मीटिंग में चले गए हैं, लेकिन इनको भारी बहुमत से जिताइए, पूरे देश भर में दिखाइए कि जिन्होंने गलत तरीके से लोकतंत्र के साथ अपराध करके धन बल के आधार पर आपकी सरकार को तोड़ने की कोशिश की, उसका जवाब हिमाचल प्रदेश की जनता दे रही है। दिखा दीजिए पूरे देश को कि आप सभ्य समाज के लोग हैं और आप सभ्य राजनीति चाहते हैं। आप सबने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।